रेजिमेंट का कमांडो रिहा किया है नक्सलवादियों ने, उसकी रिहाई का पूरा देश स्वागत कर रहा है। सो वी आर थैंकफुल कि हमारा जवान जो शहीद हो गए होंगे, लेकिन जो बच सकता था उसको हम बचाने में कामयाब हुए। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डाल लें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, धन्यवाद। नहीं नहीं घपला तो हो रहा है, जनता के मन में भी आ रही है बातें, लेकिन कोई बोल नहीं रहा, बस चक्कर ही है। मैं बोल रहा हूँ, अभी लाइव शुरू होने तो फिर बताता हूँ। शुरू हो गए। सभी दोस्तों को मेरी नमस्कार, राम राम। मैं हेमंत सिंह फोगाट इस वक्त लाइव हूँ आप सबके सामने, और नक्सल हमले का दुख पूरे देश में है, लेकिन एक जो कोबरा रेजिमेंट का कमांडो रिहा किया है नक्सलवादियों ने, उसकी रिहाई का पूरा देश स्वागत कर रहा है। सो वी आर थैंकफुल कि हमारा जवान जो शहीद हो गए होंगे, लेकिन जो बच सकता था उसको हम बचाने में कामयाब हुए। पूरे देश में खुशी की लहर है, एक संतोष सा है कि राहत सी मिली है। और फिर जब नक्सलवादियों के आंदोलन के बारे में दो लाइन तलाश करी, सबको मेरी राम राम। संपत खटक जी, राजेंद्र गहलोत जी, प्रदीप कैरो जी, सबको मेरी राम राम। लाइव अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, मैसेज दूर तक जाता है। बात कोरोना की दवाई को लेके करेंगे, किस तरह से एक देश में बहुत बड़ा घपला, राफेल बोफोर्स से भी बड़ा घपला जन्म लेने के लिए कुलबुला रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक मिनट की लाइन नक्सलवाद पे, किसान आंदोलन पे, दोनों में कैसे समानता है वो बता रहा हूं। पता चला कि सेना में और वहां बीजापुर के नक्सल देहात के लोगों में नक्सलवाद क्यों पनप रहा है, क्योंकि वहां के लोगों में और कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों में समन्वय नहीं है, तो नक्सलवाद ने जन्म लिया वहां पर, छत्तीसगढ़ में, बीजापुर में, और वो टकराव चल रहा है बहुत सालों से, क्योंकि वहां का बाशिंदा, वहां का देहात का प्राणी अपने जंगल बचाना चाहता है और सरकार उनके जंगलों को खत्म तो कर रही है, लेकिन साथ में देहात के जीवन को भी खत्म कर रही है छत्तीसगढ़ में, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। तो बेहतर होगा कि जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है जंगल उजाड़ने की वजह से, किसानों को छत्तीसगढ़ में, उनको हिस्सेदार बनाया जाए हर चीज में, रिफाइनरी में, खदानों में, हर तरह से, तो मेरे ख्याल से वो फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा कर पाएंगे। और अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो आंदोलन आज तक चल रहा है, और यही हाल किसान आंदोलन का हो चुका है, सरकार ने बातचीत बंद कर दी है और दोनों तरफ तनातनी चल रही है। लेकिन